हेलो, वेलकम टू वर्ल्ड रिव्यूज़। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब पर 4000 आवर्स वॉच टाइम कैसे पूरा करें। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने जा रहा हूँ आज आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये चार काम करने हैं। सबसे पहला ये है कि पीसी आपके पास होना चाहिए, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर। सेकेंड, आपका इंटरनेट जो है वो फास्ट कनेक्शन हो। और थर्ड जो है वो आपके पास एक ऐसी वीडियो हो जो 30 से 40 मिनट की हो, या तो 30 से 40 मिनट की एक वीडियो हो या आपकी मल्टीपल वीडियोस हो, 4, 5, 6, 7 वीडियोस आपने बनाई हुई हो चैनल पे और उनकी आप एक प्लेलिस्ट बना लें। और चौथा ये है कि पेशेंस, सब्र रखना है आपने, क्योंकि मोबाइल में जो यूट्यूब है उसके जो वॉचर्स होते हैं उसमें एक दिन लगता है उसको काउंट होकर, वो एक दिन के बाद आपके यूट्यूब स्टूडियो में अपडेट होते हैं। और जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें 2 दिन लगते हैं, 2 दिन के बाद वो जाके अपडेट होते हैं। तो कीप काम, सब्र रखिए और लेट्स गो अहेड। अब अपने ब्राउज़र में जाएँ और यूट्यूब ओपन करें। यूट्यूब और इसको साइन आउट कर लें। आपका जो जिस पे गूगल पे ये साइन इन हुआ हुआ है उस वीडियो को साइन आउट कर दें। दोबारा गूगल पे जाएं और हिस्ट्री में जाएंगे। हिस्ट्री जाके क्लियर करनी है हमें। सबसे पहले हिस्ट्री क्लियर करेंगे। ये मैंने यहाँ पे अपनी हिस्ट्री क्लियर कर दी है। इसके बाद दोबारा youtube.com youtube पे जाएं और अपना चैनल खोल लें। यहाँ पे ये मैं खोल लेता हूँ। ये चैनल खुल गया आपका। प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ हाँ, मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपनी और ये प्लेलिस्ट खोल लेता हूँ। ये खुल गई मेरी प्लेलिस्ट। इसको मैं पॉज कर दिया। अब यहाँ पे मेरी 4 से 5 वीडियोज़ मैंने इस प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं और अभी मैं इनका टाइम कैलकुलेट करता हूँ। ये रहा कैलकुलेटर। अब मैं इनका टाइम कैलकुलेट करता हूँ, टोटल टाइम कितना बनता है। 1 घंटे से कम टाइम की वीडियो हमने बनानी है और 1 घंटे से ज़्यादा हो तो यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो अभी मैं टाइम यहाँ काउंट कर लेता हूँ मेरी टोटल वीडियोज़ का। 4.30 तो ये टोटल बना 41.92 बना टोटल मेरी वीडियोज़ का। आपके पास एक वीडियो भी हो 40 मिनट की, 50 मिनट की, आप वो भी रख सकते हैं। तो अगर छोटे छोटे आपके पास वीडियो हैं तो आप भी बना लें। इसके बाद जाएं इसमें टैब में, एक नीटो में जाएं और यहाँ पे दोबारा से इसको खोल लें टैब को। अपने चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट को जो है आपने प्ले करना है। प्ले करने से पहले पॉज करें और इसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल डाउन कर दें 144p पे। और स्पीड इसकी अगर आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे डबल कर देता हूँ स्पीड, 1.75 कर देता हूँ, 1.75। और इसके जो है आपने ऊपर जाके मल्टीपल जो है ना डुप्लीकेट टैब्स बना देने हैं। राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट टैब, डुप्लीकेट टैब 10, 15, 20 जितने आप चाहें। मैं यहाँ पे 4, 5 बना रहा हूँ। 10, 15, 20 जितने आप चाहें वो टैब्स बना दें और इन वीडियोस को प्ले कर दें। बस अब ये वीडियोस चलती रहेंगी। आप लैपटॉप अपना साइड पे रख दें और इस प्रोसेस को आप रिपीट करते जाएं। और रिपीट आपने करना है, कुछ ब्रेक लेनी है। अभी ये सारी प्लेलिस्ट चलेगी डुप्लीकेट टैब में। 5 मैंने डुप्लीकेट टैब बनाए तो एक टैब में मेरी 10 वीडियोज़ हैं अगर, तो वो 10 प्ले होंगी, 10, 20, 30, 40, 50। तो ये जो आपने टैब ओपन किया था डुप्लीकेट टैब्स, ये सारे जब अपनी इनकी वीडियोस कंप्लीट हो जाएं, प्लेलिस्ट चलती रहेगी, उसके बाद आपने ब्रेक लेनी है। इसको आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बंद कर देना है और फिर दोबारा प्ले कर देना है। तो आप देखेंगे आपके हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर बहुत तेज़ी से वॉच आवर्स जो है ना बढ़ेंगे और कम्प्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।